हेलो, तो व्हाट्स अप गाइस, कैसे हैं आप लोग सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब खैर खरी से होंगे, खुश होंगे अपने अपने घरों में। तो आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं, आज हम लोग देखने वाले हैं फोटोशॉप में ह्यू एंड सेचुरेशन। क्या ही अमेजिंग टूल है, मज़ा आ जाता है। मानो तो पूरा का पूरा इमेज ही चेंज करके रख देते हैं हम लोग। तो आज हम वही सीखने वाले हैं, एक कमाल की चीज़। तो यहाँ पर मैं आपको एक टिप देता चलूँ कि जब भी आप लोग कोई एडिटिंग कर रहे हो अपनी इमेज पर, तो उसकी डुप्लीकेट लाजमी लिया करें। डुप्लीकेट का फ़ायदा होता है कि हम लोग बाद में देख सकते हैं कि हमारी इमेज की पहले क्या लुक थी और हमने उसमें चेंजिंग करके अब इमेज के अंदर क्या चेंजेस की हैं। तो कंट्रोल जे हम प्रेस करेंगे तो डुप्लीकेट मिल जाएगी हमें अपने इमेज की। तो ये देखें, इसकी मैंने डुप्लीकेट ले ली है एक, ठीक है। तो डुप्लीकेट ले कर हम इस पर एडिटिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ कि लोग क्या करते हैं, इमेज के ऊपर ह्यू एंड सेचुरेशन अप्लाई करते हैं, इमेज से जाके एडजस्टमेंट से ह्यू एंड सेचुरेशन लेके यहाँ से अप्लाई करते हैं। तो इससे क्या होता है, मिसाल के तौर पे यहाँ से मैंने अप्लाई किया, ठीक है, इसकी सेचुरेशन मैंने इंक्रीज़ की, ओके। तो अब अगर मैं इसको दोबारा एडिट करना चाहता हूँ, ये देखें ये अप्लाई तो हो चुका है लेकिन मुझे मिस्टेक लग रही है। मैं इसको चाहता हूँ कि मैं इसको थोड़ा सा लो करना है, ठीक है। तो उसके लिए जब मैं दोबारा इमेज से जाके एडजस्टमेंट से उसको लूँगा, ह्यू एंड सेचुरेशन को लूँगा, तो देखिए उसमें मसला क्या आता है। ये मैंने ह्यू एंड सेचुरेशन ली तो इसमें इशू क्या आया कि ये दोबारा से मतलब इफ़ेक्ट अप्लाई हो रहा है। जो हमने एडिटिंग पहले की है उसी को हम अगेन एडिट नहीं कर पा रहे, ठीक है। ये इशू आता है इमेज से जाके ह्यू एंड सेचुरेशन अप्लाई करने का। तो ह्यू एंड सेचुरेशन हमने कहाँ से अप्लाई करनी है, नीचे फिक्स से जाके, ये देखिए ये ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है। इसमें है ह्यू एंड सेचुरेशन, ह्यू एंड सेचुरेशन, तो यहाँ से हमने अप्लाई करनी है। तो ये जिस लेयर के ऊपर होती है उसी पे अप्लाई नहीं होती, इसके नीचे जितनी लेयर्स होती हैं ये सब पे अप्लाई होती है। तो इसको हमने एक लेयर पे अप्लाई करना है, तो हमने ऑल प्रेस करना है, ये देखिए एरो का निशान आ गया, कीबोर्ड से राइट क्लिक करना है, तो ये देखिए एरो बन गया, तो ये इसके साथ लिंक हो गया। अब ये सिर्फ इसी एक लेयर पर अप्लाई होगा, तो उस पर डबल क्लिक करके अब हम इसका कमाल देखते हैं। ये देखिए इसकी कलर टोन देखिए इमेज की कैसे चेंज होती है, क्या ही मज़ेदार है यार, अमेजिंग। मुझे तो पर्सनली बहुत पसंद है, देखिए क्या ही लुक आ रही है इमेज की, टोटली कलर्स चेंज हो रहे हैं, देखिए ज़रा इंटरेस्टिंग है कि नहीं। देखिए मिसाल चलें हम ये ब्लू ही ले लेते हैं फिलहाल, तो मैं आपको दिखाता हूँ क्या चेंज आई है, ठीक है। तो लेयर्स में चल के इसको हम ऑफ करते हैं, तो ये देखिए ये हमारा ओल्ड इमेज था और इसमें हमने एक मिनट में थोड़ी सी एडिटिंग की और ये देखिए ये हमारा न्यू इमेज है, कैसा इंटरेस्टिंग इफेक्ट आ गया इसके अंदर, ठीक है। लाइट्स ब्लू हो चुकी है, ये चीज़। और दूसरा इसमें ये देखें ये जो सेचुरेशन है, तो बास इमेजेस हमारे पास होती हैं उसमें कलर्स जो होते हैं ना वो बहुत ही मतलब लो क्वालिटी में होते हैं, बहुत लाइट कलर्स होते हैं, तो हमने उनको ब्राइट करना है, तो हमने उनकी सेचुरेशन तेज़ करनी है तो वो कलर्स ब्राइट हो जाएंगे। सेचुरेशन बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ानी, बहुत ज़्यादा सेचुरेशन बढ़ाने से इमेज का रिज़ल्ट बिल्कुल ही ख़राब हो जाता है, तो हमने थोड़ी सेचुरेशन बढ़ानी है। ये देखें इमेज बिल्कुल ख़राब हो गया, तो हमने इमेज के हिसाब से इमेज भी ख़राब ना हो और सेचुरेशन भी उसकी कलर्स भी ब्राइट हो जाए, तो इस तरह से काम करना है हमने। और उसी के बरहस बाज़ इमेजेस होती हैं उनके कलर्स बहुत ही ब्राइट होते हैं, तो उनको लो करने के लिए हमने सेचुरेशन को ज़रा लाइट कर देना है, तो कलर्स उसके लो हो जाएंगे, ठीक है, लाइट हो जाएंगे कलर्स। फ़िलहाल इसको मैं ज़ीरो पे ही करता हूँ सेचुरेशन को, ठीक है। बहुत मज़ेदार टूल है, तो फ़िलहाल इसको डिलीट करते हैं। तो यहाँ पे इसमें ही ह्यू एंड सेचुरेशन में आपको कुछ चीज़ें और बताता हूँ। अब ये हमारे पास इमेज है, इसको लिंक कर लेते हैं। एक तो यहाँ से हम ऑल्ट से लिंक करते हैं ना, दूसरा यहाँ पे भी हमारे पास ये लिंक करने का ऑप्शन है, इस पर हम प्रेस करके ये देखें ये लिंक हो गया, तो यहाँ से भी लिंक हो जाता है, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ है, मिसाल के तौर पर ये इमेज है हमारे पास, तो इसमें से कोई एक कलर जो है ना हमने उस कलर की टोन हमने बिल्कुल ही ख़त्म करनी है इसमें से। तो उसमें क्या, मिसाल के तौर पर ये इमेज है तो इसमें से जहाँ जहाँ पर भी रेड कलर है ना, तो मैं चाहता हूँ रेड कलर टोटली ख़त्म हो जाए इस इमेज में से, बाकी कलर्स रहें लेकिन रेड कलर ख़त्म हो जाए। तो ये यहाँ से हमने रेड कलर लेना है और रेड कलर के सेचुरेशन को ज़ीरो कर देना है,
है कि नहीं कमाल, टोटली इमेज में से रेड कलर रिमूव हो चुका है। ये ओल्ड इमेज है और ये देखिए रेड कलर टोटली रिमूव फ्रॉम द इमेज। इंटरेस्टिंग है कि नहीं। और दूसरा, अगर मिसाल के तौर पे मैं इसमें से रेड फिलहाल ज़ीरो करता हूँ, मतलब सेचुरेशन ज़ीरो करता हूँ, और यहाँ से मैं येलो कलर है तो येलो को अगर मैं ख़त्म करना चाहता हूँ तो ये देखिए येलो कलर टोटली ख़त्म एकदम। इसमें से ब्लू ख़त्म करता हूँ। ये जो बिल्डिंग हमारी फ़िलहाल आई थिंक ब्लू, हाँ ब्लू स्टोन में थी, तो ये देखिए टोटली ब्लू कलर ख़त्म हो चुका है। वो गाड़ी भी हमारी ब्लू थी, तो ये देखिए ब्लू कलर की सेचुरेशन ख़त्म की, तो क्या ही इमेज। और मतलब सेचुरेशन हम कम करते हैं लेकिन किसी कोई कलर है ठीक है वो अब हमें लाइट लग रहा है, हमने उसका कलर टोन तेज़ करनी है तो तेज़ भी इसी तरह सेचुरेशन को कम करने के बजाय ज़्यादा कर दें तो वही कलर टोन थोड़ी तेज़ हो जाएगी। मिसाल के तौर पे यहाँ से येलो कलर है, इसको हम तेज़ करते हैं, ये इतना फील तो नहीं हो रहा लेकिन ये ब्राइट हो रहा है ठीक है। वो हम अभी देख लेते हैं, ये देखिए चेंजेज आ रही है। वो देखिए वो घास देखें उसमें, ये देखें ये वाला जो येलो इफेक्ट है ये देखें काफ़ी तेज़ हो चुका है इसका, तो फिलहाल इसको हम ज़ीरो ही करते हैं। तो ये ह्यू एंड सैचुरेशन बहुत ही कमाल की चीज़ है ठीक है। आप लोग इसको अप्लाई करिए डिफरेंट इमेजेस पे, बहुत मज़ा आएगा आपको, इंटरेस्टिंग लगेगा। अब हम लोग देखते हैं कि मिसाल के तौर पर बाज दफ़ा हम इमेजेस में किसी एक खास एरिया में किसी एक जगह पे सिर्फ जो है ना चेंज करनी होती है उसकी लाइट टोन ठीक है, उसके कलर्स चेंज करने होते हैं। तो मिसाल के तौर पर ये ग्लोब है तो ठीक है, हम लोग सिर्फ इसकी चेंज करना चाहते हैं लाइट, तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे ठीक है। क्विक सिलेक्शन टूल से मैं फ़िलहाल इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ। सिलेक्शन की डिफरेंट टूल्स होती हैं, कुछ लोग कोई यूज़ करते हैं, मैं तो क्विक सिलेक्शन टूल ज़्यादातर यूज़ करता हूँ। तो ये ग्लोब मैंने सिलेक्ट कर लिया ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे आप लोगों ने लेयर से ह्यू एंड सैचुरेशन नहीं लेनी, यहाँ से आप लोगों ने इमेज से जाकर ही लेनी है, क्योंकि लेयर से ह्यू एंड सैचुरेशन जब हम लेते हैं तो वो फुल लेयर पर ही अप्लाई होती है। तो जब हमने खास सिलेक्शन ली होगी तो फिर एडजस्टमेंट से जाके ह्यू एंड सैचुरेशन ही लेनी है, इमेज एडजस्टमेंट ह्यू एंड सैचुरेशन। तो यहाँ से ये देखिए ग्लोब का कलर बिल्कुल चेंज हो रहा है। तो इस तरह हम किसी सिलेक्टिव एरिया को भी कलर चेंज कर सकते हैं, ये देखिए। तो ये ग्लोब का कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है ठीक है। फिलहाल इसको मैं वापस करता हूँ कंट्रोल जी से ठीक है, ह्यूमन सैचुरेशन। तो इसमें एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि मिसाल के तौर पे जब हम बाज दफ़ा हमें इमेज बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट चाहिए होती है, तो ये देखिए हमने इमेज लेनी है तो उसकी सैचुरेशन बिल्कुल ज़ीरो कर देनी है ह्यू एंड सैचुरेशन में जाके ना, तो वो बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट हो जाएगी इमेज। इमेजेस बाज दफ़ा हमें ब्लैक एंड वाइट भी करने की ज़रूरत होती है। तो ये था आज का हमारा ह्यू एंड सैचुरेशन का ट्यूटोरियल, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अपने भाई को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें एंड थैंक यू।